कहानी का शीर्षक है वो पागल लड़की। आज पहली बार मन कर रहा था कि छुट्टी की घंटी ही ना बजे। स्कूल का आज लास्ट दिन था। मन ही मन भगवान से प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन पता था कि हर बार की तरह ये भी वो ठुकरा ही देंगे। खैर, मुझे भी अब आदत सी हो गई थी अपनी दुआओं को बेअसर होते हुए देखने की। समीक्षा, हाँ यही नाम था उस पागल लड़की का, जो बस स्कूल ही इसलिए आती थी कि मैं आता था। अजीब सा लगाव हो गया था उससे। अपनी साइकिल पार्क करते ही अगर वो सामने ना दिखी तो फिर उसी वक्त मैं सोचने लगता था क्यों नहीं आई, कुछ हो गया क्या, वगैरह वगैरह। कहीं स्कूल ही तो नहीं छोड़ दी। फिर खुद के अनगिनत सवालों का जवाब देने में ही सारा वक्त निकल जाता था। अब आज का जमाना तो था नहीं कि चलो एक मैसेज या कॉल कर लेते हैं। जब कभी भी स्कूल पहुंचता, कभी मेन गेट पे तो कभी पार्किंग में, मेरा इंतजार करते हुए दिख जाती थी। स्कूल पहले पहुंच के भी लेक्चर में हमेशा लेट ही आती थी और टीचर से डांट सुनना तो बस उसके लिए जैसे आम बात थी। मेरे तो कई सारे लड़के दोस्त थे, लेकिन उसने कभी किसी और को दोस्त नहीं बनाया। एक दिन तो बातों बातों में ही मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और वो घंटों तक रोती रही। मुझे लगा अब शायद कभी वो बात नहीं करेगी, मगर ऐसा कहां होने वाला था। फिर से वही चुलबुली नटखट समीक्षा, हमेशा चहकने वाली हंसने वाली लड़की, मगर आज उदास थी। और इतने समय में मुझे भी उसके शरारत की आदत सी हो गई थी। अब स्कूल के फर्स्ट डे से लेकर आज तक का सारा मंजर याद आ रहा था। घंटी बजी और सब लोग नम आंखों से विदा हो गए और समीक्षा तो बस रोते ही जा रही थी। ना आज कोई प्रश्न था और ना ही कोई उत्तर, बस खामोशी ने आज सब कुछ निकल दिया था। पल भर को अपना ख्वाब, अपना हकीकत सब कुछ भूल गया था मैं भी। साइकिल आज अलग अलग पगडंडियों से जा रही थी, जहां शायद कई सारे प्रश्न खड़े थे। भविष्य के अपनी सारी सफलताओं में मुझे अभी से एक शून्य दिखाई देने लगा था। मन कर रहा था फिर से दूसरी क्लास का वही छोटा सा बच्चा बन जाऊं और समय वहीं पे ठहर जाए।